हाँ भाई, हमारा टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन चल रहा था, और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में हम एक तो कर चुके थे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कैसे चेक करते हैं, है ना, इक्वेशन को। तो देखो, अगर हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, इसका मतलब सिंपल है कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इक्वेशन देखते हैं कि इक्वेशन हमें सही गिवन है या नहीं गिवन है, ठीक है। तो वो कैसे देखेंगे, वो बहुत सिंपल तरीका है। मैंने तुम्हें बताया था लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड साइड के ऊपर, ठीक है। दोनों तरफ अगर डायमेंशन क्या कर जाए, मैच कर जाए, तो ऐसे करने पे क्या होता है, ऐसे करने पे वो इक्वेशन सही हो जाती है, ठीक है। इसका मैंने तुम्हें एग्जाम्पल भी करवा ही दिया था एक, तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें दे दूं यहाँ पर, मान लो इस तरीके से, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे दूं, मान लो मेरे पास वर्क डन, ठीक है, किसके इक्वल है, हाफ mv² प्लस mgh, ठीक है, और ये प्लस दे दे तुम्हें ma, और ये दे दे s, डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ये फॉर्मूला सही है या गलत, तो बहुत सिंपल है, तुम्हें राइट हैंड साइड पे जो डायमेंशन है वो प्रूव करना है कि राइट हैंड साइड पे भी वहां पर सबकी डायमेंशन सेम है, ठीक है। हम यहाँ करेंगे क्या, देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कितनी टर्म यूज हुई है, ठीक है, हाउ मेनी टर्म। यार चांद जो क्लास चल रही, दिमाग खराब हो रहा ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ठीक है, ये तीसरी टर्म है यहाँ पर, और ये यहाँ पर कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म है, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कि सभी टर्म्स की डायमेंशन सेम है या नहीं है, ठीक। देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करेंगे। वर्क डन का डायमेंशन तुम्हें डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्या होता है, ML2T-2, डायरेक्ट होती है इसकी डायमेंशन, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, हाँ, प्रीत कुमार, प्रीत कुमार अपना म्यूट हो जाओ बेटा, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि वर्क की डायमेंशन क्या होती है, ML2T-2, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये चेक करना है, बस बहुत सिंपल है। देखो, हाफ की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, तो यहाँ पर ये जो हाफ है, ये जो हाफ आ रहा है, ठीक है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो हमें यहाँ चेक करनी है मास की। तो मास की डायमेंशन क्या लिखेंगे हम, एम, और विलोसिटी क्या होगी, विलोसिटी होगी LT-1, और इसका हो रखा है यहाँ पर स्क्वायर, ये देखो स्क्वायर हो रखा है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर ये जो एम है, इसकी जगह यहाँ पर हम मास लिखेंगे। बस एक एक चीज तुम्हें याद रखनी है, जो प्लस और माइनस आता है ना, इसकी जगह हमें क्या लिखना है, इक्वल लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया एम। जी क्या रखेंगे हम, जी होता है एक्सीलेशन, मतलब LT-2, और हाइट कितना होता है, हाइट होता है हमारे पास एल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एम हो जाएगा मास, मास तो एम में रखेंगे, एक्सीलेशन होता है LT-2, ठीक है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है, ये होती है एल। तो अगर मैं यहाँ पर अब देखूं कि क्या मेरे दोनों तरफ की डायमेंशन सेम है, तो देखो दोनों तरफ की डायमेंशन यहाँ सेम आ रही है, देखो ML2T-2, ठीक है, ये देखो, ये तो ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं ये देखूं, तो ये हो जाएगा एम, एल का देखो यहाँ पर एल की पावर 1 है, तो ये L² हो जाएगा, ठीक है, L² और T-2। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर ये देखो, ये कितना हो जाएगा एम, और ये कितना हो जाएगा L² एल, एक एल दूसरा एल, कितना हो गया L², और ये कितना हो गया T-2, तो यहाँ पर ये हो गया। सिमिलरली अगर मैं इसको चेक करूं, तो ये हो जाएगा एम L² T-2। अब जरा ध्यान से देख लो यहाँ पर, क्या सभी की सभी डायमेंशन सेम है, हाँ सभी की सभी डायमेंशन सेम आ रही है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है, ये इक्वेशन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐसे हम देख सकते हैं, और बहुत इजीली देख सकते हैं, इसको हम कह देते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, राइट। अब इसकी दूसरी एप्लीकेशन की तरफ हम आते हैं, कि डायमेंशन से जो हमने सीखा है, उससे दूसरी एप्लीकेशन क्या हो सकती है। तो सबसे पहली बात देखो, फिर से तुम्हें मैं एक बार रिमाइंड करा दूं,
कि यहाँ पर जो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है वो क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, और इसको डायमेंशन में लिखेंगे तो मीटर की जगह क्या आ जाएगा एल, और सेकेंड की जगह क्या आ जाएगा टी माइनस वन, ठीक है, तो एल टी माइनस वन। अगर मैं यहाँ तुम्हें एक्सीलेशन की पूछूं तो एक्सीलेशन क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू, राइट। अगर मैं थर्ड यहाँ से तुमसे पूछूं फोर्स, फोर्स की क्या होगी, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए मास इंटू एक्सीलेशन, और उसके यूनिट क्या हो, वो क्या होती है के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन हो जाएगी एम एल टी माइनस टू। अगर मैं तुमसे पूछूं एनर्जी, ठीक है, वर्क हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, या काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है, अगर मैं तुम्हें इसकी डायमेंशन पूछूं तो इसकी डायमेंशन क्या होगी के जी, इसकी यूनिट देखो ये होगी के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको अगर डायमेंशन में लिखेंगे तो होगा एम एल टू टी माइनस टू, ऐसा करके। तो ये चार जो चीजें हैं ये तो बड़ी बहुत ही ज्यादा बेसिक है, ये तो तुम्हें हर जगह आनी चाहिए कि ये चार तो याद होनी ही चाहिए। अगर ये चार याद है तो बहुत इजीली तुम सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कन्वर्जन। तो इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन है वो कन्वर्ट करना एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, ठीक है। तो इसकी दूसरी एप्लीकेशन देख लो, दूसरी एप्लीकेशन है कन्वर्जन, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट, वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, ठीक है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे जा सकते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है, इसको करना भी बहुत इजी है, बहुत सिंपल है ये। देखो सबसे पहली बात क्या याद रखना है, याद रखनी है ये चार डायमेंशन जो मैंने तुम्हें ऊपर बताई है ना। अगर इतना याद रहेगा तो सब हो जाएगा इसमें। देखो कन्वर्जन अगर करेंगे तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने का क्या मतलब है, तो सबसे पहले सिस्टम कितने टाइप के, मेजरमेंट में जो सिस्टम होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, वो जनरली हम किस में पढ़ते हैं। सबसे पहले सिस्टम होता है एमकेएस सिस्टम, ठीक है, एमकेएस सिस्टम। दूसरा सिस्टम कौन सा होता है, सीजीएस सिस्टम, ठीक है, और तीसरा सिस्टम होता है एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है, ये एमकेएस सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज एमकेएस सिस्टम, ठीक। तो एमकेएस सिस्टम बेटा बहुत सिंपल है, एमकेएस का मतलब है यहाँ पर जो मास है, ठीक है, यहाँ पर जो मास है वो केजी में आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो लेंथ है वो किस में आती है, लेंथ आती है मीटर में, और यहाँ पर जो टाइम है, जो टाइम है वो किस में आता है, वो आता है सेकंड में, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जो मास है सीजीएस सिस्टम में वो किस में आता है, ग्राम में पढ़ा जाता है, ठीक है। लेंथ यहाँ पर किस में पढ़ी जाती है, लेंथ यहाँ पर सेंटीमीटर में पढ़ी जाती है। टाइम यहाँ किस में पढ़ा जाता है, टाइम इसमें पढ़ा जाता है सेकंड में, ये देखो सेकंड में पढ़ा जा रहा है, ठीक है। दूसरा ये आता है यहाँ पर मास, ठीक है, यहाँ पर मास पाउंड में पढ़ा जाता है, पी फोर पाउंड, ठीक है, और यहाँ पर लेंथ किस में पढ़ा जाता है, फुट में, ठीक है, लेंथ पढ़ा जाता है फुट में, और यहाँ पर जो टाइम है ये किस में जाता है, सेकंड में पढ़ा जाता है, सेकंड में, ठीक है, इसमें भी एस से ही पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर इन सिस्टम के बीच देखना बहुत जरूरी है डिफरेंशिएशन, ठीक है। अच्छा ये जो SI, जो ये MK सिस्टम है, ठीक है, इसको एक और तरीके से हम पढ़ लेते हैं, ये जो MKS सिस्टम है इसी को हम एक और तरीके से पढ़ते हैं, SI सिस्टम, ठीक है, SI सिस्टम। तो MKS सिस्टम और SI सिस्टम लगभग एक ही जैसा है, ठीक है, एक ही है ऐसा समझ लो, राइट। अब MKS सिस्टम में और भी कुछ चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं SI सिस्टम, मेनली हमें क्या करना होगा क्वेश्चन में, हमें SI सिस्टम से CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। देखो दो टाइप के सिस्टम होंगे, SI और CGS, ठीक है, SI और CGS, या तो हमें CGS से SI में कन्वर्ट करना है, देखो या तो CGS से हमें SI में जाना है, ठीक है, या तो हमें SI में से CGS में जाना होगा, इन दोनों में ही कन्वर्जन चलानी है, राइट। अब SI सिस्टम में यूनिट कौन कौन सी होती है जो चीजें हमें कन्वर्ट करनी है, तो देखो मेनली दो ही चीजें इसमें कन्वर्ट करते हैं हम, जनरली दो चीजें कन्वर्ट करी जाती है, पहला फोर्स, ठीक है। तो फोर्स की अगर मैं SI यूनिट की बात करूं तो बताओ फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है, ये न्यूटन में पढ़ा जाता है, न्यूटन। और फोर्स की अगर मैं CGS सिस्टम पढ़ूंगा तो CGS सिस्टम में इसे पढ़ा जाता है डाइन में, डाइन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर दूसरा होता है वर्क, वर्क पढ़ लो या एनर्जी पढ़ लो, वर्क को किस में देखते हैं, यहाँ पर जूल में,
और जूल किसमें कन्वर्ट होता है, सीजीएस में उसकी यूनिट होती है अर्ज, ठीक है, क्या होती है, अर्ज यूनिट होती है, ई आर जी, ठीक है, अर्ज। तो जनरली क्वेश्चन आता है कि इतने न्यूटन में कितने डाइन, या इतने डाइन में कितने न्यूटन, या इतने जूल में कितने अर्ज, या इतने अर्ज में कितने जूल, ऐसे करके क्वेश्चन आता है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे टैकल करते हैं, इसको भी टैकल करना बहुत ईजी है। तो जरा ध्यान से देखो, हमें करना क्या है, हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में जाना है, राइट, और एसआई से सीजीएस में, या सीजीएस से एसआई में जाना है। जनरली क्वेश्चन कैसा आता है इसके ऊपर, क्वेश्चन ऐसा आता है, देखो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं जो मैंने क्लास में करा भी रखा है, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ठीक है, ऐसे पूछेगा, एक न्यूटन में हाउ मेनी डाइन, ठीक है। सो इसको करने का क्या तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, देखो सबसे पहले तो पहचानो कि न्यूटन किसकी यूनिट है, ठीक है, न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, है ना, और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, देखो कुछ नहीं करना, फोर्स की डायमेंशन होती है, जल्दी बताओ क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, ठीक है, यही होती है, देखो ऐसे करके होती है डायमेंशन, ठीक है। और ये जो निकालना है हमें, ये एक न्यूमेरिकल नंबर है, तो एक नंबर की जगह हमें एन टू लिखना है, और डाइन, डाइन को भी क्या लिखेंगे, एम एल टी माइनस टू ही लिखेंगे, लेकिन ये सीजीएस सिस्टम का है, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को जनरली दूर करने के लिए क्या करा जाता है, देखो बहुत सिंपल है, अगर तुम्हें इस कंफ्यूजन को दूर करना है ना, तो डायरेक्टली ऐसे लिखो, देखो ऐसे वन, ठीक है, यहाँ पर लिखो न्यूटन, और वन न्यूटन में हमें पता करना है नंबर, कितने नंबर होंगे, कितने डाइन होंगे, तो ऐसे करके लिख लो, पहला स्टेप है ये, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, हमेशा ऐसा ही करना है। अब क्या करेंगे, वन न्यूटन, न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, फोर्स को क्या लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे एन टू, और डाइन में क्या हो जाएगा, केजी की जगह क्या आ जाता है, ग्राम, मीटर की जगह क्या आ जाता है, सेंटीमीटर, और सेकंड की जगह क्या हो जाता है, सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो जल्दी बताओ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि तुम्हें एन टू निकालना है। देखो तुम्हारा एम यहाँ पर क्या है, ये वाला एन टू फाइंड आउट करना है, ये देखो ये एन टू फाइंड आउट करना है ना, ये एन टू फाइंड आउट करना है, तो ये वाली चीज इसके नीचे जाएगी नहीं जाएगी, तो देखो ये नीचे चली गई है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो बहुत सिंपल है, अब क्या करना है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वन इंटू केजी, केजी डिवाइड बाय क्या आ रहा है, ग्राम, और इस पूरे की पावर कितनी आ रही है, वन, ठीक है। यहाँ पर देखो मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे मीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर, और इसकी भी पावर कितनी आ रही है, वन, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे सेकेंड और सेकेंड, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसकी पावर माइनस टू, और ये किसके इक्वल होगा, ये एन टू के इक्वल होगा, राइट। चलो अब आगे जरा ध्यान से देख लो कितना सिंपल है, क्योंकि N2 एक नंबर है, ठीक है, याद रखना, यहाँ पर N2 एक नंबर है, और नंबर होगा तो सिर्फ यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखना चाहिए, मतलब यूनिट वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए। तो यूनिट जब कुछ नहीं होगी तो क्या करेंगे, देखो इसको कैंसिल करेंगे किसी तरीके से, इन यूनिट्स को आपस में कैंसिल करना है। तो देखो बहुत सिंपल है, एक केजी में कितने ग्राम होते हैं, हजार ग्राम होते हैं ना, तो 10³ ग्राम लिख दिया मैंने यहाँ पर, और डिवाइड बाय यहाँ पर ग्राम हो गया, ठीक है, यहाँ पर पावर हो गई वन। मीटर की जगह कितने मीटर, कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो 10² सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर, इसकी यहाँ पर पावर कितनी हो गई, वन। अब सेकंड डिवाइड बाय सेकंड, इसकी पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, माइनस टू, ये हो गया हमारे पास एन टू। अब देखो यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये वन इंटू 10³, और यहाँ पर देखो कितना है, वन, यहाँ पर कितना है, 10² और ये हो गया वन। अच्छा एक बात तुम्हें हमेशा याद रखनी है कि जो ये पावर है, देखो ध्यान से देखना है यहाँ पर, ये जो पावर है, ठीक है, ये पावर हमेशा माइनस टू, माइनस में पावर नहीं दिखनी चाहिए तुम्हें, तो माइनस में पावर ना दिखे इसके लिए तुम क्या करोगे, इसको पलट दोगे इस टर्म को, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों पलट दो, हालांकि यहाँ दोनों ही सेकेंड है तो कोई असर नहीं पड़ेगा, सेकेंड को सेकेंड से पलटोगे तो सेकेंड ही आएगा, है ना, लेकिन आर और सेकेंड होता तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो जाता, तो वहां पर उसको कैसे करेंगे, मैं इसका भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन करा देता हूं, अभी ध्यान से देखते रहो। तो सेकंड से सेकंड कट गया, यहां आ गया वन, और इसकी पावर कितनी हो गई, टू, ठीक है। अब बताओ n2 किसके इक्वल आ गया, तो यहां बहुत सिंपल है, देखो 1 × 10³ यहां आ गया, और 10² यहां आ गया, और ये वन आ गया, ठीक है। तो जल्दी बताओ n2 यहां पर क्या आ गया, n2 यहां पर आ गया 10⁵, ठीक है, 10⁵, ये देखो।
कुछ नहीं करना है, इस एन टू को उठाना है और यहाँ पर पुट कर देना है, देखो यहाँ प्लेस कर देना है, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे कह रहा है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो देखो एन टू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 10^5, ठीक है, डाइन। तो ये देखो कन्वर्ट हो गया, 1 न्यूटन में 10^5 डाइन होते हैं, राइट। तो ये चीज भी बहुत सिंपल हो जाएगी, बहुत ही इजी हो जाएगी ये भी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक और इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम कर लेते हैं इसके ऊपर, देखो इस तरीके से आइए क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो जी की वैल्यू है, ठीक है, जी की वैल्यू तो तुम्हें पता ही होगा कि अगर मेरे पास दो मास वाली ऑब्जेक्ट होंगी, ये एम वन है, ठीक है, और ये यहाँ पर एम टू है, तो दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे ना, ऐसे करके एक दूसरे को देखो। अब जिस फोर्स से ये अट्रैक्ट करते हैं ना, उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल फॉर्मूला क्या होता है, जी एम वन एम टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आई होप आपने ये फॉर्मूला कभी पढ़ रखा होगा, है ना, दोनों जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो इतने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि तुम्हें जी की जो वैल्यू है, ये जो जी की वैल्यू है ना, ये जो जी की वैल्यू है, ये एसआई सिस्टम में दे रखी है, ठीक है। और एसआई सिस्टम में कितनी दे रखी है, जी की वैल्यू एसआई सिस्टम में दे रखी है 6.67, ठीक है, इनटू 10^8 कितना, 8। त्रिलोक हटाओ इसको, इतना दे रखा है, ठीक है। और यहां पर दे रखा है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और पर ग्राम स्क्वायर, ऐसे करके दे रखा है, ठीक है। अब तुम्हें बोला है कि इसी, अच्छा जरा इसको देख के पहचानो, यहाँ पर ये जो जी है, ठीक है, यहाँ पर ये जो जी गिवन है, क्योंकि ये डाइन सेंटीमीटर और ग्राम में दे रखा है, तो डेफिनेटली ये सीजीएस सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, सीजीएस, ठीक है। तो सीजीएस से मुझे कहाँ पर ट्रांसफर करना है, सीजीएस से मुझे एसआई सिस्टम में ले जाना है, ठीक है। तो एसआई सिस्टम में क्या होगा बताओ, एसआई सिस्टम में डाइन किस में होता है, डाइन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, तो डाइन हो जाएगा न्यूटन में। सेंटीमीटर किसमें चला जाएगा, मीटर स्क्वायर में, और ग्राम किसमें चला जाएगा, पर केजी में। तो मुझे इस चीज में इसको कन्वर्ट करना है, तो देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है, कैसे ले जाएंगे इसको। तो हाँ देखो, यहां पर मुझे जो जी की वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 6.67, ठीक है, 10^-8, यहां पर आ रहा है डाइन, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर आ रहा है पर ग्राम का स्क्वायर, ठीक है। इसको मुझे कन्वर्ट करना है, मतलब N2 निकालना है, किसमें, CGS से हमें जाना है, देखो CGS से हमें जाना है, CGS से हमें जाना है SI सिस्टम में। तो SI सिस्टम में डाइन, डाइन फोर्स होता है, और फोर्स SI सिस्टम में क्या होता है, न्यूटन, ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ग्राम की जगह किलोग्राम, देखो kg^-2, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है, जल्दी बताओ, यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ हमें एन टू फाइंड आउट करना है, ये देखो एन टू। तो एन टू कैसे निकालेंगे, तुम्हें ये नहीं लग रहा है ये सारी चीज इसके नीचे जानी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो ये क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे 6.67 × 10^-8, ठीक है, डाइन के नीचे लिखेंगे न्यूटन, न्यूटन, देखो जरा ध्यान से, ठीक है, और सेंटीमीटर यहां पर था सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पर नीचे क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर यहां पर ये देखो ग्राम दिख रहा है, ठीक है, g^-2, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा kg^-2, और हमें निकालना क्या है, n2 निकालना है ना। तो देखो अब बताओ इसको कैसे डील करेंगे, ये तो बहुत सिंपल हो गया डील करना, तो कैसे डील करेंगे इसको, हाँ भाई। सो एन टू देखो, फिर से देख लो, एन टू सिर्फ एक नंबर है, क्या है, नंबर, ठीक है, और नंबर ही दिखना चाहिए मुझे, लेकिन यहाँ पर देखो कि ये कुछ यूनिट आ रही है, तो इनको काटना बहुत जरूरी है, तो इनको देखो कैसे काटेंगे। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 6.67 × 10^-8, ठीक है, डाइन, और जल्दी बताओ न्यूटन में, 1 न्यूटन में कितने डाइन करे थे हमने, 10^5 डाइन, है ना, ऐसे करके करा था 10^5 डाइन, राइट। यहाँ पर बताओ सेंटीमीटर है, yes। हाँ, तो सेंटीमीटर देखो, सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इन दोनों का स्क्वायर हो रखा है, तो मैं सेंटीमीटर और मीटर, बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10^2 सेंटीमीटर, ठीक है, और इस पूरे का स्क्वायर हो रखा है, देखो स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर मैंने ऐसे लिखा है। अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, तुम्हें यहाँ पावर माइनस में दिख रही होगी, है ना, लेकिन मैंने क्या कहा था, पावर कभी भी माइनस में नहीं दिखनी चाहिए,
तो तुम्हें क्या करना है, बस इसको रिवर्स करना है, इसको ऊपर ले जाना है, इसको नीचे ले जाना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, केजी बाय ग्राम, केजी बाय ग्राम हो गया, और इसकी पावर कितनी आएगी, टू नहीं आए, माइनस टू नहीं आएगी, अब टू आएगी, देखो, क्योंकि तुमने पलट दिया है। किसी भी चीज की पावर माइनस में नहीं दिखनी चाहिए, ये याद रखना बस, ठीक है। अब अगर इसी स्टेप को मैं आगे बढ़ाऊं तो बताओ क्या हो जाएगा, मैं इसको लिखूंगा 6.67 10 की पावर माइनस 8, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे, देखो डाइन से डाइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा 10 की पावर 5 और इसकी पावर कितनी आ रही है 1 into, जल्दी बताओ, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा 1/10 स्क्वायर और इसकी पावर आ रही है स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ देखो केजी को किस में लिखेंगे, केजी को ग्राम में लिख दें, 10 की पावर 3 ग्राम और ये ग्राम, ठीक है। और यहाँ पर देखो 2 आ रहा है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब जल्दी बताओ तुम्हें, तुम्हारे हाथ में क्या है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको इसको लिखेंगे 6.67 into 10 की पावर माइनस 8, ठीक है। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5, राइट। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 10 की पावर 4 होगा, और 10 की पावर 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 4, राइट। और यहाँ पर ये 10 की पावर कितना हो जाएगा, 6, देखो इस तरीके से, है ना। हाँ, अब बताओ हमारे पास बचा कितना, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 6.67 10 की पावर माइनस 8, यहाँ पर अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो माइनस 5, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस 4, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 6, ठीक है। ये N2 के इक्वल हो गया, तो फाइनली अब हमारे पास क्या आ गया, फाइनली हमारे पास आया 6.67 into 10 की पावर माइनस 8, ठीक है, into 10 की पावर, देखो 5, 4, 9, 9 में से 6 गए तो कितना है बचा, 3, तो यहाँ पर माइनस 3 आ जाएगा, है ना। तो N2 फाइनली हमारे पास कितना आ गया, 6.67 into 10 raised to power minus 9, ठीक है। इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर, देखो ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। बस इतनी वैल्यू पुट कर देंगे, बहुत सिंपल है, राइट। तो जरा ध्यान से देख लो हमने करा कैसे था, हमने कुछ नहीं करना, बस उसको ऐसे एज इट इज लिखना है जैसे क्वेश्चन में गिवन है, और उसके बाद एज इट इज N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस इसको नीचे ले आओ, और बस ये याद रखना क्योंकि N2 एक नंबर है तो सारी यूनिट कैंसिल करनी है, यूनिट कैंसिल करने के लिए बेसिक चीज तुम्हें पता ही है ना, बहुत सिंपली ये भी हो सकता है। तो चलो हमने कन्वर्जन भी करके देख ली, कन्वर्जन भी बहुत सिंपल पार्ट है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट हमारा हो गया थर्ड एप्लीकेशन। अब हम थर्ड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बेटा यहाँ पर हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन हो जाएगी डिराइव ए फॉर्मूला। सर हाँ सर, एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो सर, ये वो डाइन वाला मेथड वो कन्वर्जन के ऊपर था, हाँ, तो आपने वो केजी ऊपर और ग्राम नीचे क्यों लिखा था, कहाँ पर बताओ, कहाँ सर, पहले आपने ग्राम ऊपर लिखा फिर केजी नीचे लिखा। अच्छा ये ऐसे करके, ये ऐसे, ये यहाँ पर ये वाला स्टेप, हाँ सर, हाँ। यहाँ देखो अगर तुम्हें पावर, देखो एक मैथमेटिक्स ना कई तरीकों से हो सकती है, पावर ना माइनस में नहीं दिखनी चाहिए हमें, अगर पावर माइनस में दिखती है ना तो हम उसमें डेफिनेटली तुम ना कहीं गड़बड़ कर दोगे, है ना, तो उसको वैसे करना ही नहीं है तुम्हें, बस पावर प्लस में दिखनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो हमारे, हमको क्या दिख रहा है, पावर माइनस में दिख रही है और यहाँ पर भी माइनस टू, तो माइनस टू का झंझट ही मत पालो, इसको रिवर्स कर दो। तो जब तुम ग्राम को नीचे ले जाओगे और केजी को ऊपर ले जाओगे तो पावर पलट जाएगी, है ना, पावर माइनस टू की जगह क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। अब पावर प्लस हो गई तो इसमें डील करना बहुत इजी है, ओके, ठीक है। पूछो, डाउट क्लियर हुआ या नहीं, या और किसी को कोई डाउट है। सर ये एरर का पार्ट है। नहीं ये एरर का पार्ट नहीं है, एरर तो अभी स्टार्ट कराऊंगा मैं, अभी तो एरर ये सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज तो मेरी आ रही है बेटा, बहुत अच्छा, तुम्हारा नेटवर्क थोड़ा ऐसा होगा, ठीक है, क्या करें। फिर किस चीज का टॉपिक है ये, हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डाइमेंशंस, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डाइमेंशन हमने थर्ड एप्लीकेशन कर रहे हैं कि अगर मुझे फैक्टर्स पता हो कि एक फॉर्मूला इन इन चीजों पर डिपेंड करता है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, है ना। तो चलो ये भी कर ही लेते हैं जल्दी से, हाँ, तो थोड़ा इसमें अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। तो मान लो
देखो इस तरीके से क्वेश्चन आता है ये, इसको करेंगे कैसे। तो देखो मान लो तुम्हारे पास ना यहाँ पर एक पेंडुलम है, ठीक है, ऐसा करके मानो कि ये एक पेंडुलम है तुम्हारे पास, ठीक है, और पेंडुलम ऐसे हो करके होता है ना, ऐसे होता है ना पेंडुलम, ये देखो ऐसे होगा यहाँ पर। हाँ कोई कुछ पूछ रहा है? सर हाँ बोलो। ठीक है तो मान लो तुम्हारे पास ना ये एक पेंडुलम है। अच्छा पेंडुलम को जब ऐसे छोड़ेंगे तो पेंडुलम स्विंग करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, है ना, पेंडुलम यहाँ पर स्विंग करेगा। अब जब पेंडुलम स्विंग करेगा तो इसका एक चक्कर लगाने का टाइम पीरियड भी होगा, तो वापस वन से ऐसे ये जाएगा, इस तरफ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, है ना, और फिर यहाँ से वापस वन पर आएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक टाइम पीरियड। तो इसके टाइम पीरियड का ना हमें फॉर्मूला निकालना है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो देखो एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन कैसे गिवन होगा, तुम्हें क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा कि टाइम पीरियड जो पेंडुलम का है, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स ऑन फैक्टर दे देगा तुम्हें। देखो जैसे कहेगा टाइम पीरियड पेंडुलम का डिपेंड करता है मास पे, ठीक है, ये पहला फैक्टर दे देगा। फिर तुम्हें बोलेगा कि टाइम पीरियड इसी का किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, ठीक है, ऐसे कहेगा टाइम पीरियड डिपेंड करता है किस पे, लेंथ पे, ठीक है। फिर तीसरा फैक्टर दे देगा कि बताओ टाइम पीरियड डिपेंड करता है किस पे, ग्रेविटी पे, ये क्वेश्चन में तुम्हें देगा, ठीक है, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलेशन जी पे डिपेंड कर रहा है। अब ये चीज, ये वाला पार्ट तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा। अब तुम्हें कहा जाएगा कि बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो फॉर्मूला निकालना कतई बेहद ही ईजी है यार, बस तुम्हें फैक्टर पता होना चाहिए, और फैक्टर तुम्हारे सामने मैंने लिख दिया है ना। अब देखना जरा ध्यान से देखना इसको, इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो जल्दी बताओ हमें फैक्टर कौन कौन सा गिवन है। हमें टाइम पीरियड पेंडुलम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके दे रखा है, मास के। अच्छा मास तो इसकी पावर क्या होगी, ए मान लो इसकी पावर, ठीक है। दूसरा फैक्टर, ये पहली इक्वेशन है हमें, दूसरा फैक्टर टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके दे रखा है, लेंथ के, मतलब टाइम पीरियड लेंथ पे भी डिपेंड करता है, इसकी पावर बी मान लो। देखो क्वेश्चन में स्क्वायर भी आ सकता है, क्यूब भी आ सकता है, पावर तो कुछ भी हो सकती है ना एक फॉर्मूले में किसी भी चीज की। तो पावर ही हमें नहीं पता है, और ये पावर के लिए ही हम कैलकुलेट करेंगे चीजों को। और तीसरा फैक्टर जो उन्होंने दे रखा है वो क्या दे रखा है, ग्रेविटी। तो सबके पहले पहले सारे फैक्टर इस तरीके से लिख लेने, देखो बढ़िया से, बढ़िया से ऐसे करके क्या कर लेना, लिख लेना। अब बस तुम्हें इसमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है ये ए बी और सी, यही तो होती है डायमेंशन, यही हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो क्या करो, इन सबको कंबाइन करके लिख दो, ठीक है, कंबाइन करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो मास की पावर है ए, लेंथ की पावर है बी, और ग्रेविटी इसकी पावर कितनी है, सी, है ना। तो अब इसको कैसे डील करेंगे, बहुत सिंपली डील कर लेंगे, देखो कैसे डील करेंगे। हाँ भाई कैसे डील करेंगे, देखो ऐसे, टाइम हो गया क्या, या अभी बच्चा है, अभी बच्चा है, ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा। चलो एक 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 बार फिर से ज्वाइन कर लो इसको, है ना, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, एक बार फिर से ज्वाइन कर लेते हैं।